गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 11वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, हमने इसके पहले एनिमल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत संघ पोरीफेरा का अध्ययन किया था और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं संघ टीनोफोरा, संघ प्लेटीहेलमिंथीज और संघ आर्थ्रोपोडा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आपके कोर्स में एनसीईआरटी के बुक में शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, इसलिए मैं उसी के हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संघ टीनोफोर। टीनोफोर शब्द जो है उसको कंकतधर भी कहा जाता है। इसको सामान्यतः समुद्री अखरोट या सी वॉलनट कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में भी आ सकता है कि समुद्री अखरोट किस संघ को कहा जाता है, या कंकाल जेली या कॉम्ब जेली भी कहा जाता है। ये सभी समुद्रवासी जो हैं वो अरीय सममित होते हैं, यानी इनमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। इसको मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। द्विकोरिक अर्थात डिप्लोब्लास्टिक अर्थात द्विस्तरी संगठन इनका पाया जाता है। पहली परत जो है वो कहलाती है एक्टोडर्म, जैसा कि हमने सीलेंट्रेटा और पोरीफेरा में पढ़ा था, और दूसरी कहलाती है एंडोडर्म। इसको यहां लिख देते हैं एंडोडर्म, अर्थात द्विस्तरी संगठन होता है। इसमें ऊतक श्रेणी का शरीर संगठन होता है, ये ध्यान दीजिए। शरीर में 8 बाह्य पक्षाभि कंकाल पट्टिकाएं होती हैं जो चलन में सहायता करती हैं। पाचन अंतःकोशिक तथा अंतराकोशिक दोनों प्रकार का होता है। जीव संदीप्ति प्राणी के द्वारा प्रकाश उत्सर्जन करना टीनोफोर की प्रमुख विशेषता है। मतलब ये लाइट परावर्तित करते, प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। नर एवं मादा अलग नहीं होते हैं। जनन जिसमें लार्वा अवस्था नहीं होती है, उदाहरण प्लूरोब्रेकिया तथा टीनोप्लाना। तो ये है संघ टीनोफोरा के, और इसमें 2-3 मेन पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, संघ प्लेटीहेलमिंथीज या चपटे क्रमी। प्लेट प्लेट कैसी होती है, चपटी होती है ना, तो प्लेटी हेलमिंथीज है ना चपटे क्रमी, ऐसे क्रमी जो चपटे रहते हैं। तो इस संघ के प्राणी पृष्ठाधर यानी डार्सो वेंट्रल रूप से चपटे होते हैं। इन्हें सामान्यतः चपटे क्रमी कहा जाता है। इस समूह के अधिकांश प्राणी मनुष्य तथा अन्य प्राणियों में अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। एंडोपैरासिटिक नेचर के होते हैं, मतलब ये अंदर शरीर के अंदर अंतः परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। चपटे कृमि जो होते हैं वो द्विपार्श्व सममित, माने दोनों ओर से त्रिकोर की ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब त्रिकोर की आ गया बच्चों यहाँ पे, तो इसमें मतलब एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तीनों लेयर, ये शरीर का संगठन का सबसे उच्च स्तर है। तो त्रिकोर की यानी ट्रिप्लोब्लास्टिक अपरगोही होते हैं। इसमें अंग स्तर का शरीर संगठन होता है। मतलब अब शरीर कैसा हो गया, बहुकोशिका से अलग होकर के अंग स्तर पर आ गया, ऑर्गन लेवल तक आ गया। परजीवी में अंकुश तथा चूषक पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट फीचर है, क्यों, क्योंकि अंकुश और चूषक की सहायता से ही ये अपने होस्ट पर जाकर के चिपकते हैं। कुछ चपटे कृमि खाद्य पदार्थ को परपोषी से सीधे अपने शरीर की सतह से अवशोषित कर लेते हैं। ज्वाला कोशिकाएं परासरण नियंत्रण तथा उत्सर्जन में सहायता करती हैं। नर मादा अलग नहीं होते हैं, निषेचन आंतरिक होता है। परिवर्तन में बहुत सी लार्वा अवस्थाएं पाई जाती हैं। प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन की असीम क्षमता होती है। प्लेनेरिया का हमने जब भी हम जनन के उस विशेष पाठ को पढ़ते हैं तो उसमें प्लेनेरिया का उदाहरण आता है। उदाहरण है इसका टीनिया यानी फीता कृमि, फैसियोला पर्ण कृमि। अब बच्चों यहाँ ध्यान देना, जितने भी अंतः परजीवी होते हैं ये कैसे होते, चपटे कृमि इस प्लेटी हेलमिंथीज की जो विशेषता है उसमें है, और ये है टीनिया का चित्र जिसमें यहाँ पे इसके मुख के वहां पर ऐसे चूषक अंग पाए जाते हैं। इन चूषक अंगों की सहायता से ही वो शरीर पर किसी भी होस्ट सेल पर चिपकता है। और ये है फैसियोला हेपेटिका अर्थात लिवर फ्लूक।
और ये है टीनिया, पूरा नाम इसका टीनिया सोलियम, ये चपटे कृमि के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखें हम संघ एस्केल हेलमिंथीज अर्थात गोल कृमि, गोल कृमि इन्हें कहते हैं। ये अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, मतलब यदि इनको टीएस काटा जाए तो ये ऐसे राउंड राउंड शेप में कटते हैं। इनका टीएस सेक्शन लिया जाए तो ये राउंड शेप में कटते हैं, इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ये मुक्त जीवी फ्री लिविंग होते हैं, जलीय अथवा स्थली पौधे एवं प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। ये द्विपार्श सममित होते हैं, त्रिकोरकी होते हैं, कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का है, आहार नाल पूर्ण होती है जिसमें सुपरिवर्तित पेशी ग्रसनी होती है, उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा बाहर निकालती है। नर तथा मादा एक लिंगाश्रयी होते हैं, प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। उदाहरण है एस्केरिस गोल कृमि, यह मनुष्य में अंतःपरजीवी के रूप में रहती है। विजेरेरिया फाइलेरिया कृमि, इससे फाइलेरिया डिसीज होती है। एनसाइलोस्टोमा अंकुश कृमि, तो ये इस ग्रुप के कुछ उसके उदाहरण हैं। और बेटा यहाँ पर किसका, नर और मादा एस्केर हेलमिंथीज के उदाहरण है, अर्थात गोल कृमि का चित्र आपको यहाँ पर दिया है, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं संघ एनेलिडा, एनेलिडा स्वतंत्र होते हैं, कभी कभी परजीवी होते हैं, अंग तंत्र स्तर को ऑर्गन लेवल के संगठन को प्रदर्शित करते हैं, द्विपार्श सममित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरकी होते हैं, पुनरावृत्ति विखंडित खंडित तथा गुही प्राणी होते हैं। इनकी शरीर सतह स्पष्टतः खंड अथवा विखंडों, देखो यहाँ पर देख रहे हैं अपन एनिलिडा का उदाहरण, तो यहाँ पर ये खंडों खंडों में बटा हुआ है, शरीर अनेक खंडों में बटा है, इसीलिए इसको एनुलस अर्थात सूक्ष्म बलय अर्थात एनिलिडा कहते हैं। इन प्राणियों में अनुदैर्ध्य तथा वृत्ताकार दोनों प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं जो कि चलन में सहायता करती हैं। जलीय एनिलिडा जैसे नेरिस में उपांग भी, यानी इसके जो उपांग होते हैं वो पैरापोडिया, इस प्रकार से ऐसे उपांग पाए जाते हैं जो चलन में सहायता करते हैं, उनको पैरापोडिया कहा जाता है, तैरने में भी सहायता करते हैं। इनमें बंद परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है, मतलब क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। वृक्क या नेफ्रिडियम परासरण नियमन तथा उत्सर्जन में सहायक होते हैं। तंत्रिका तंत्र में एक जोड़ी गुच्छिकाएं पाई जाती हैं, सेंगलियोन बोला जाता है उनको। नेरिस एक जलीय एनिलिड है जिसमें नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, एक लिंगाश्रयी होता है, लेकिन एनिलिड का एक उदाहरण केंचुआ तथा जोंक भी है जो नर तथा मादा पृथक नहीं होते, उभय लिंगाश्रयी होते हैं। जनन लैंगिक विधि द्वारा होता है, उदाहरण नेरिस पेरेटिमा, केंचुआ हिरुडिनेरिया रक्त चूसक जोंक। और यहाँ पर इसका चित्र आप देख रहे हैं, यह है नेरिस का चित्र और यह हिरुडिनेरिया अर्थात जोंक का चित्र, इनके बारे में आप भली भांति परिचित हैं। हमारा अगला संघ आता है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है वो प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है, क्यों है, क्योंकि इसमें अनेक प्रकार के कीटों की जातियां सम्मिलित हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और लगभग दो तिहाई जाति जो है पृथ्वी पर वो आर्थ्रोपोडा की ही है, ये ध्यान हमें देना। इसमें अंग तंत्र स्तर का शरीर संगठन होता है, मतलब ऑर्गन लेवल का शरीर संगठन बन जाता है। ये द्विपार्श सममित होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि उसके बाद से जितने टीनोफोरा से जो चालू हो रहे हैं हमारे संघ, सब में ट्रिप्लोब्लास्टिक, यानी ये विकास की उच्चतम अवस्थाओं तक जा रहे हैं, तो इनका अंग तंत्र और ट्रिप्लोब्लास्टिक लेवल शुरू हो जाता है। आर्थ्रोपोड का जो शरीर होता है वो काइटिन के बही कंकाल, यानी इनका जो बाहरी शरीर का बाहरी कंकाल होता है वो किससे बनता है, काइटिन के कंकाल से बना होता है। शरीर जो होता है वो सिर वक्ष तथा उदर, ये इम्पोर्टेंट और स्पेशल फीचर आ गया कि शरीर सिर वक्ष तथा उदर में विभाजित होता है, मतलब संधि का, आर्थो का मतलब होता है संधि, पोडा मतलब उपांग, तो
संधि युक्त पा, इनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, संधि युक्त होते हैं, ऐसे ब्रेक कर करके इनके बीच में संधि, इसलिए इनको आर्थ्रोपोडा कहा जाता है। श्वसन अंग, सांस लेने वाले जो अंग होते हैं वो होते हैं क्लोम, पुस्तक्लोम, पुस्त फुफ्फुस अथवा श्वसनिकाओं के द्वारा होता है। परिसंचरण तंत्र ओपन सिस्टम होता है, तो परिसंचरण तंत्र खुला होता है। संवेदी अंग कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे श्रृंगिकाएं जो बाहर ऐसे निकले रहते हैं वो श्रृंगिकाएं, नेत्र सामान्य होते हैं तथा संयुक्त भी होते हैं, स्टेटोसिस्ट उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन जो होता है वो मेलपिगी ट्यूब, मेलपिगी नलिका के माध्यम से होता है। नर मादा पृथक होते हैं, अधिकांशतः अंड प्रजक यानी ओविपेरस होते हैं। परिवर्धन प्रत्यक्ष अथवा लार्वा अवस्था द्वारा अप्रत्यक्ष होता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण कीट कौन कौन से, एपिस मधुमक्खी, जिसका मधुमक्खी पालन करते हैं शहद के लिए और मोम के लिए उसको पाला जाता है, और आर्थिक रूप से इनका बहुत महत्व है। दूसरा बॉम्बेक्स मोराई, रेशम कीट, रेशम के जो कीट होते हैं उनका। लैसिफर जिससे लाख बनती है, लाख वाला कीट। रोग वाहक कीट भी रहते हैं उसमें, जैसे एनाफिलिस मच्छर, क्यूलेक्स, एडीज मच्छर, यूथ पीडक टिड्डी, लोकस्टा पाई जाती है, तथा जीवित जीवाश्म लिमुलस, राज करकट किंग कैप के नाम से जाना जाता है। तो ये आर्थ्रोपोडा संघ के बारे में है। आर्थ्रोपोडा संघ में कीटों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। तो बच्चों ये थे हमारे एनिमल क्लासिफिकेशन के कुछ संघों का वर्णन। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे हेमिकार्डेट्स के बारे में डिस्कस